हेलो स्टूडेंट, अभी तक के बेटा अपन ने जो टॉपिक देखा है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते थे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वहाँ पे टू वेज से अपन क्लासिफिकेशन कैसे करते ये पढ़ रहे थे। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये पढ़ाया था कि वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसमें अपन ने ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन को एलिफैटिक बोलते थे, क्लोज चेन को एरोमेटिक बोलते थे। फिर एलिफैटिक मतलब ये एलिफैटिक और एरोमेटिक बेटा ये हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स है। ठीक है, फिर उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसमें होमो, हेटेरो, फिर एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, बराबर है ना। ऐसे बहुत सारे अपने टाइप इसके पहले अपन ने पढ़ चुके, वो भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद में अपने नॉमिनक्लेचर पढ़ा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। ठीक है, अब वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होने के बाद में लेकिन यूटिलाइजेशन उसी का करना, आपको ये चीज ध्यान में रखना। फंक्शनल ग्रुप ये जो आज का अपना टॉपिक है ये स्ट्रक्चर बेसिस पे और नॉमिनक्लेचर पे भी डिपेंड है। ठीक है ना, करके मैंने अपन ने वो पहले पढ़ा, बाद में फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले ये नाम जो है आपने कहा सुना, फंक्शनल ग्रुप। यस, लोअर क्लासेस में चैप्टर नंबर 9th में कार्बन कंपाउंड में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप ये होता क्या है। और फंक्शनल ग्रुप ये होते हैं बेटा दोनों, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जो आगे लगता है रूट वर्ड के, और कोई फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा पीछे में ऐड होता है। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, जैसे ये वाला फॉर्मूला जो नॉमिनक्लेचर के पहले अपन ने पढ़ा, प्रीफिक्स, बाद में रूट वर्ड या फिर वर्ड रूट भी बोलते हैं इसको अपन, और फिर पढ़ा था अपन ने सफिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सभी को अच्छे से पता होगा क्योंकि मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसमें फिर दो टाइप्स आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी आते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है अपने यहाँ पे जो अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, और कुछ 11th के चैप्टर में आपको डिटेल्स में भी पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये इस प्रकार अपन पढ़ेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप, इसकी जबरदस्त टेक्निक है अपने पास में। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो रूट वर्ड के पहले आएंगे उसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जो आएंगे उसको सफिक्स बोलते हैं। तो सर ये तो हो गया, पहले आएगा बाद में आएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो सबसे पहले देखते हैं बेटा अपन उसकी डेफिनेशन। क्या देखते हैं? उसकी डेफिनेशन किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप ये होता क्या है? तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या बोला मैंने? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। क्या करेगा? विच डिटरमाइन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। लेकिन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है? लेकिन वो जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिखाता है बेटा आपको, कौन सी? स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी? वो कंपाउंड की, ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको अपन? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या लिखे अपने डेफिनेशन? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम मतलब कोई सिंगल एटम रहेगा या फिर एटम का ग्रुप रहेगा, वो क्या करेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर में ऐड होने के बाद में एज अ फंक्शनल ग्रुप का जब काम करेगा तो वो कंपाउंड की टोटली केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज करा देगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते बेटा अपन फंक्शनल ग्रुप। अब फिर से एक सवाल माइंड में अराइज होगा, जैसे कि वो बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे बेटा आपका हैलोजन ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, एक्स के अंदर में आपका कौन सा था? यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बाद में अगर अपन दूसरा देखें तो अल्कोहल ऐड होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है, कीटोन ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद में अल्डिहाइड ऐड होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ये पूरे फंक्शनल ग्रुप है कि जो आपके इसमें ऐड होते हैं, जैसे थियो अल्कोहल है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है कि जो आपके इसमें क्या होंगे, ईस्टर है, कीटोन है, ईथर है, जैसे एक और एक ईथर ले लो। ठीक है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप हो गया, सो ऑन एक्सेट्रा जो भी है, जैसे
एक्स में मैंने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बताया, अल्कोहल बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, कीटोन बताया, एल्डिहाइड बताया, ईथर बताया, एक्सेट्रा, जो भी है इतने सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके कंपाउंड के अंदर में ऐड होते हैं। इट मीन्स दैट ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक हो गया, एक से ज्यादा होगा, तो वो क्या होते हैं? फिर से वही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन दैट कंपाउंड? जब भी ऐसा होता है तब क्या होता है कि वो जो केमिकल प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो कंपाउंड, जब उसके अंदर में फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा लेकिन थोड़ी हटके करेगा, ठीक है ना। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो डिटेल में अपन आगे देखेंगे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो था बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप, वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा ओरली डेफिनेशन और ये क्या है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको देखो यहाँ पे एक बॉक्स लिख के दिया है, बॉक्स में आपको क्या दिया बेटा, सीरियल नंबर, फिर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फिर फंक्शनल ग्रुप, और अगर वो फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में यूटिलाइज होता है तो वहां पे सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स मतलब क्या बेटा, पीछे में ऐड होने वाला, ठीक है। ऐसा एक मैंने चार्ट आपको दिया है कि वो अगर फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में अगर ऐड होता है तो आप सफिक्स क्या ऐड करोगे, ठीक है। और एक बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइड करूंगा जिसमें प्रीफिक्स कैसे होगा, कौन से फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स में आते हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में आते हैं, ठीक है। चलो देखो फट से, पहला दिया बेटा अल्कोहल, क्लास ऑफ कंपाउंड मतलब नेम क्या है वो फंक्शनल ग्रुप का, यस, क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल, अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट दिखेगा आपको, OH, और ये बॉन्ड इसके लिए है ताकि वो किसी कंपाउंड में क्या हो, लिंक हो, ऐड हो। अगर अल्कोहल ग्रुप आता है तो वहां पे क्या ऐड करेंगे अपन, OL। कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है लोअर क्लासेस में, फिर इसके पहले की वीडियोस में भी पढ़ाया है कि AnE जो होता है आखिरी का E होता है उसको रिप्लेस करके OL ऐड करना पड़ता है, वो अपन जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला है बेटा अल्कोहल, OH फंक्शनल ग्रुप है, OL ऐड करेंगे। दूसरा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, COOH, क्या होता है, COOH। अगर ये फंक्शनल ग्रुप आता है तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे, OIC एसिड, ठीक है। उसके बाद में बेटा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, कौन सा होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। अल्डिहाइड मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला देखो, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये भी अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड मतलब कार्बन के साथ में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में प्रेजेंट होगा, लेकिन कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना है, उसको बोलते हैं अल्डिहाइड। वो कैसे है, वो कार्बोनिल कंपाउंड क्यों है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये अल्डिहाइड हो गया, CHO मतलब लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, E को रिप्लेस करेंगे AL लिखेंगे, ठीक है, अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। बाद में कीटोन है, कीटोन का नाम में रखना बेटा, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, जब भी कीटोन दिखता है आपको CO दिखता है, ये देखो बॉन्ड, बॉन्ड CO बॉन्ड, ठीक है, जैसे ही दिखता है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, वन, सबका मालिक एक, ये ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं कीटोन। बाद में अमीन है, NH2 ग्रुप, इसको अमीन ही लगाएंगे। बाद में अमाइड है, वहां पे देखो CONH2 या फिर C डबल बॉन्ड हो NH2 ऐसा रहेगा, उसको अमाइड ही अपन सफिक्स लगाएंगे। बाद में थियो अल्कोहल है, थियो अल्कोहल मतलब SH ग्रुप प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप, वहां पे थियोल लगाएंगे, थियोल, THIOL, थियोल, ठीक है। उसके बाद में साइनाइड है, CN, जिसको साइनाइड ग्रुप, बड़ा ही डेंजर ग्रुप है ये साइनाइड, वहां पे नाइट्राइल, इसी का एक बड़ा भाई आता है आइसोनाइट्राइल, मतलब सॉरी आइसोसाइनाइड, तो वहां पे आइसोनाइट्राइल वर्ड यूज करना होता है। उसके बाद में ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको अल्काइल ओएट लिखते हैं। और लास्ट में बेटा एसिड क्लोराइड, COCl, OYl क्लोराइड लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे ईस्टर है, जैसे यहाँ पे अपन ने ईस्टर लिखा, और एक ईथर है, जैसे देखो बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये ईथर नाम है, इसका नाम क्या है, ईथर, ये भी बड़ा मजेदार फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो था एक सिंपल सा मैंने आपको चार्ट दिया है, और एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जब भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे उसको चार्ट वाइज आपको पढ़ना है, विदाउट चार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइंड में बैठती ही नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। कैसे बिठाना है, किस प्रकार बिठाना है, चार्ट कैसे करना है, मेरे साथ रहो, मैं आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करूंगा। और इजी, जो लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, समझती नहीं है, कैसे नहीं समझती, अपतकी के, लेकिन चार्ट वाइज और मेरे वे से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए बेटा अपन इतना ही रुकते हैं, आप आई होप कि ये अच्छे से देखना, समझना, माइंड में स्टोर करना, क्योंकि आगे चल के जैसे इसका यूटिलाइजेशन करके अपन नॉमिनक्लेचर देखेंगे एक दो एग्जांपल में, तो फट्टा से आपको समझ में आ जाए। सो बेटा आज के लिए अपन यही रुकते हैं, सो थैंक यू।